सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन भाई। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन भाई चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो यार आप लोगों को दिल से सॉरी, बहुत लेट हो चुका है वीडियो, कुछ रीजन्स था जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। बट आई एम बैक टू न्यू अपडेट्स एंड न्यू ट्रिक्स एंड ट्रिप्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, पूरा खतरनाक अपडेट है। एंड जो अभी आने वाला है ड्रेस, उसका जो डायमंड सॉरी एक रॉयल होता है ना, वहाँ पे जो गन अभी चल रहा है उसके ऊपर है। तो मेरा एडिशन का कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो अभी शुरू कर दिया फिर से अपलोड करना। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ ये ड्रेस क्या क्या आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वो लाल बटन को क्लिक करके और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, तो नया वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इन मेरा तबियत भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं तो थोड़ा मतलब वेट कर रहा था कि थोड़ा तबियत भी ठीक हो जाए, गला भी ठीक हो जाए, उसके बाद वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। एंड तो ये रहा हमारा जो अभी का जो आने वाला है, अभी जिसमें गन है ना, एस्कारेल जिसमें है अभी, तो उसके बदले अभी जो नेक्स्ट ड्रेस आने वाला है उसमें, तो उसका जो ये है, इसका नाम भी मैं पता नहीं भूल चुका हूँ। तो ये ड्रेस अभी आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेल का ड्रेस है, गोल्डन कलर का है। एंड इसका डिज़ाइन कुछ अभी जो अभी शू, एक नया ड्रेस आया होगा उसके शूज़ से और इसका शूज़ से थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा सेम लग रहा है, लेकिन इसका फायर कुछ निकल रहा है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आपको ये सब उस रॉयल पे देखने को मिलेगा। डायमंड बहुत सारे खर्चा करना पड़ेगा आई थिंक, तो बचा के रखो डायमंड, और जिसके पास गोल्ड स्टोन है बचा के रखना अभी से। तो आई थिंक आप गोल्ड स्टोन ज़्यादा खर्चा ना करें, पर खर्चा ज़्यादा मतलब ज़रूरत ना पड़े उस समय आप ले पाओगे, ठीक है। तो ये एक नंबर पे आता है जो ड्रेस, मतलब पूरा मिनिमम इसके लिए शायद 3 ये वाउचर चाहिए और 4 गोल्ड स्टोन चाहिए, तो जिसके कारण आप इसको चेंज कर पाओगे। एंड ये आई थिंक एडवांस सर्वर में अभी चल रहा है, बट अभी तक हमारे इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, जल्दी आ जाएगा 14 तारीख या तो उससे भी पहले आपको देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से जल्दी आ जाएगा, ड्रेस देखने में बहुत मस्त है। एंड इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा है, गोल्डन कलर का है एंड देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखा जाए तो पूरा चारों तरफ से इसका हेलमेट भी एक लाइटिंग की तरफ से ही आ रहा है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि देखो मैं वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ लेकिन उसमें भी व्यूज़ नहीं आ रहे, आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए हो, लेकिन हाँ थोड़ा सपोर्ट करो यार। और ये रहा उसका ड्रेस का जो बॉडी, तो बॉडी में जो डिज़ाइन किया गया है, मेरे हिसाब से ये डिज़ाइन गोल्डन और ब्लैक कि मिश्रण है, मैं इतना ही बताऊंगा। एंड इसका डिज़ाइन का जो कॉम्बिनेशन है मुझे अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ड्रेस अभी तक कोई दूसरा गेम पे तो दिखा नहीं है, मतलब गरीना ने खुद डिज़ाइन किया है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका ड्रेस आप लेना चाहोगे या नहीं। और इसका पैंट भी देखने में बहुत ही लाइटिंग ग्लो हो रहा है, ग्लोनेस है उसमें भी। एंड ये मतलब पूरा टॉप में एक नंबर में जो ड्रेस पहला आएगा ये आएगा, एंड उसके बाद भी दो ड्रेस और आएगा। एंड मैं आपको फीमेल मेल दोनों का कैरेक्टर का ड्रेस दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, थोड़ा लंबा होगा लेकिन हाँ पूरा अपडेट है। एंड क्या क्या इवेंट आने वाले हैं वो इवेंट भी बता दूंगा, पूरा अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर हेल्पफुल हुआ तो। तो यहाँ से हम ख़त्म करते हैं इस ड्रेस को, क्योंकि ये ड्रेस अगर मैं पूरा दिखाने जाऊँ तो पूरा एक एक करके तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं यहाँ वीडियो को छोटा कर देता हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे फीमेल का। तो ये है फीमेल हमारा जो ड्रेस अभी मैंने बताया था, फीमेल ड्रेस। तो ये फीमेल ड्रेस भी बहुत अच्छा है, इसका मेल जो था वो आपने तो देख लिया, तो फीमेल भी गोल्डन एंड ब्लैक में आएगा, बट इसका जो डिज़ाइन है रोबोटिक टाइप का ही है। एंड इसका एक बैकपैक भी आ रहा है, मैं बैकपैक आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इसका एक इसके साथ ही कॉम्बिनेशन है आई थिंक, वो बैकपैक आपको उसके अंदर ही मिले, वो रॉयल के अंदर मतलब वहाँ पे जो स्टोन मिलता है सब कुछ, तो उसी पे मिल जाएगा मेरे हिसाब से। बैग भी बहुत ही धासू बैग है। लेकिन अभी ड्रेस के बारे में बात करते हैं, ड्रेस में क्या क्या मतलब दिया गया है। हेलमेट तो लाइटिंग है ही, जिसमें आपको गोल्डन एंड बाकी ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। एंड ये अगर आप लगाएंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि देखने में भी सुंदर लग रहा है। अदरवाइज़ ये भी आपको उस ड्रेस के साथ मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इस बार जो आएगा उसके हिसाब से इसका थोड़ा रेट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि गरीना तो पूरा लूट मचा रहा है, आपको भी पता होगा। इतना डायमंड मतलब क्या बताओ, बहुत ज़्यादा डायमंड मतलब वेस्ट करना पड़ रहा है, जिसके कारण फिर भी हमें कुछ अच्छा नहीं मिल पाता। आप अगर देखेंगे तो कितने सारे डायमंड वेस्ट करने के बाद भी हमें क्या घंटा मिलता है, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मतलब पसंद नहीं है ये चीज़ जो गरीना मतलब हम डायमंड इतना खर्चा करते हैं फिर भी जाके हमें घंटा कुछ भी नहीं मिलता, और लास्ट में जाके हमें बाबा जी का ठुलू ही मिलता है। लेकिन गरीना में से लूट ही रहा है, बिजनेस कर रहा है अपना, हमारा गेम के नाम पे मतलब बस हमें पैसा ही लूट रहा है अगर सही में बताया जाए तो।
उस चीज़ को हम देखेंगे आगे तक इन फ्यूचर क्या होता है, वो लोग कहाँ तक जा पाते हैं एंड हम लोग कहाँ तक उनको लेके जा पाते हैं। तो ये चीज़ भी मैं ध्यान रखूँगा। इंटरेस्ट की बात कर लूँ तो अभी इसमें कितना सारा डायमंड में इसमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि जहाँ से बात की जाए ये ड्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जो पहले ड्रेस आया था वो भी अच्छा था, लेकिन इसमें बस शू में जो फायर निकल रहा है बस इतना ही कुछ दिख रहा है, लेकिन बाकी जहाँ हम बात करेंगे जैसा नॉर्मल है वैसा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें अटैचमेंट नहीं किया गया है, बाकी वैसा ही है जो आपने देख रहा है। तो ये है एक नंबर का ड्रेस। और सेकेंड ड्रेस में आएगा आपका मेल का आएगा, मेल में जो ये कलर का आएगा देख लो आप, तो मेल का आएगा ये कलर का। तो दो नंबर का है ये ड्रेस, तो एक नंबर में वो आएगा फर्स्ट और ये सेकंड आएगा। तो ये भी ड्रेस उस तरह ही है, बस कलर चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। आप देख सकते हो मतलब इसका थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज हो सकता है, लेकिन अदरवाइज सेम ही है। मैं जितना ही बोलूँ इसका मतलब गरीना मतलब चारों तरफ लूट ही लूट है, क्योंकि वो लोग को मतलब जितना दोगे आप लोग उतना ही चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दो तो और ज़्यादा अच्छा। तो आप लोग अगर आप लोग अच्छा लगता है डायमंड आपके पास है और आप लोग वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। एंड जो लोग सोच रहे थे बिस्टन बॉय चैनल बंद करने वाला था, यस आई मैं चैनल बंद करने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था एडसेन का और अभी भी चल रहा है, तो मतलब फिर भी मैं सोचा कि छोड़ो पैसे से अच्छा है थोड़ा नाम ही कमा लिया जाए, तो पैसे बाद में कमा ही लूँगा जो होगा होगा, लेकिन मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला यूट्यूब से, जो एडसेन में पड़ा था वो पड़ा हुआ है, एडसेन मतलब वेरिफिकेशन नहीं हुआ जिसके कारण मैं पैसा नहीं निकाल सकता। तो बस वीडियो चलने दो, देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। मैंने बात बात की है बहुत लोगों से, देखता हूँ अगर एडसेन का प्रॉब्लम ख़त्म होता है या नहीं, लेकिन जैसा है वैसा चलने दो। वीडियो रेगुलरली अपलोड करूँगा एंड आपका इवेंट्स अपडेट्स सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रेस आपको देखने को कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट में। और इसका मेल का भी सर फीमेल का भी ड्रेस है, फीमेल का भी मैं दिखा दूंगा। एंड लास्ट में बहुत सारे अपडेट्स है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो में आपको लास्ट में दिखा दूंगा क्या क्या अपडेट है। तो आपको ये बैकपैक देखने को मिलेगा, मैं बैकपैक दिखा देता हूँ, ये बैकपैक आपको उस चीज़ के अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पे आप रॉयल आएगा ना उसके अंदर देखने को। तो ये लेवल 3 का बैग है, ठीक है, लेवल 3 का है। एंड लेवल 2 का भी इसके थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा सही है और कुछ नहीं है। और एक लेवल का तो एकदम ये अगर बात कीजिए बिच्छू, अगर आपने देखा होगा तो बिच्छू की तरह ही है और कुछ ज़्यादा नहीं, बिच्छू मेरे को हिसाब से सही है इसका, मेरे को ज़्यादा पता नहीं। तो ये लेवल 2 का है और ये लेवल 1 का है, ठीक है। तो स्पाइडरमैन है मेरे हिसाब से, हाँ स्पाइडरमैन है, बिच्छू बोल रहा हूँ मैं, स्पाइडरमैन है, ठीक है। तो स्पाइडरमैन का ही कुछ है और लेवल 2 और लेवल 1 का ज़्यादा कॉम्बिनेशन सही है, ये देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये पीछे लगाने के बाद कुछ अजीब लगेगा मेरे हिसाब से, जैसे लगेगा किसी ने दो हाथ और एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसके अंदर। तो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला हुआ है तो भर देना कमेंट से। और अगर वीडियो नया पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको न्यू इवेंट्स और न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहेंगे। अभी तो पूरा रेगुलरली काम चलेगा, कुछ परेशानी थी जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आप लोग समझ जाओगे। और अभी तो बंद नहीं होने वाला, मतलब अभी शुरू हुआ है, चलो देखते क्या होता है। तो ये इवेंट्स आने वाले हैं समर वेकेशन में, जो 14 तारीख को आएगा समर वेकेशन, मेरे हिसाब से समर ही होगा। और इसमें आपको ड्रेस कुछ एक्सचेंज करने को मिलेगा, ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा गेम के अंदर। एंड बैकपैक है और फीमेल ड्रेस भी है, तो ये आपको कलेक्ट करना पड़ेगा गेम के अंदर गेम खेल के। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा 14 तारीख को, आपको ये सब देखने को मिलेगा। क्या पता 14 तारीख से पहले भी आ जाए, क्योंकि ये दूसरे सर्वर में चल रहा है, इंडोनेशिया में चल रहा है, बट हमारे इंडिया में तो सब चीज़ लेट से आता है। और क्या पता हमारे इंडिया में आए भी या नहीं, फिर भी आएंगे मेरे हिसाब से, डाउट नहीं मेरे हिसाब से आएंगे, क्योंकि देखो जो सर्वर इंडिया में भी चल रहा है और इंडोनेशिया में चल रहा है, ठीक है, तो इंडोनेशिया पहले ख़त्म होने के बाद हमारे इंडिया में आता है। तो आई थिंक इंडिया में जब तक चलेगा, सॉरी इंडोनेशिया में जब तक चलेगा तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं कब तक आ जाता है, आने से भी अच्छा है सबके लिए, सही है। तो ये ड्रेस आपको मिल जाएगा, ये सब आपको मून स्टार जैसा है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा गेम के अंत सॉरी वीडियो के अंत तक में वहाँ पे आपको कैसे कैसे कलेक्ट करना है वो भी दिखा दूंगा। एंड ये सब आपको कलेक्ट करके एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा, एक ही ड्रेस मिलेगा, एक बैकपैक मिलेगा, एक स्केटबोर्ड मिलेगा नीचे, और आपको जो क्या कहते हैं उसे, आप नारियल का जो थोपड़ा है ना वो लगा के मतलब डायमंड ले सकते हो, तो वो नारियल का थोपड़ा भी नीचे ही है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ड्रेस ही लो, क्योंकि ड्रेस तो हर चीज़ में मिलता नहीं है, डायमंड खर्चा करना पड़ता है, तो आप डायमंड ही लेना, सॉरी ड्रेस ही लेना और बैकपैक लेना। बैकपैक देखने में अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा, अभी आने के बाद ही पता चल पाएगा। एंड ये सब आपको कलेक्ट करना पड़ेगा गेम के अंदर, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, और एक गन का स्किन आ रहा है, ठीक है, बुया बोल के गन का स्किन, तो ये गन का स्किन आपको देखने को मिल जाएगा इन फ्यूचर, आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इसमें ग्रोजा आएगा और नया गन आएगा और यूएमपी जो है
वो आएगा, ठीक है, गुर्जा भी आएगा और UMP 9 वो भी आएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अपडेट आने वाला है, अपडेट नहीं इवेंट से बता देता हूँ और क्या। तो ये गन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें UMP 9 और ग्रोजा और नया गन है जिसमें आपको बुया लिखा हुआ स्किन मिलेगा, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बता देना, और मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके। तो आई सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। ना गली से ना मोहल्ले से मैं निकला हूँ सड़क से, मामा की दादागिरी ऊपर भड़क के हम पे फिर भी छोड़ा ना दौड़ा रुला, क्यों क्यों पाला पड़ा तेरा सड़क से भटके जो लेते झड़प में चल हटा वट्टा ऊपर से नीचे से पीछे से देखे तू बहुत गलत किया तूने। हाँ थार, भो थार, क्या?